हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वीडियो शुरू करते सीधा। तो भाई लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उतर रहा हूँ पोचिंग की, और पोचिंग की में बहुत सारे बोट उतरते हैं और उन्हें को मारने में आ गया हूँ। तो भाई हवा में देखता हूँ तो एक पैराशूट अभी भी कीड़िया मार रहा है। तो घर के अंदर घुसते ही भाई UMP मिल गई और सामने भाई एक बार पड़ा ये हेलमेट, तो उठा ही लेते कहीं एकदम हेडशॉट पड़ गया बंदे ने। तो भाई बंदा इधर लैंडिंग करना है का मुझे लग रहा था, लेकिन बंदा लैंड किया नहीं। भाई कहाँ भाग गया, ग्लाइड करके शायद बहुत ज़्यादा दूर भाग गया होगा। अब यहाँ पर मैं वेस्ट टेस्ट उठा लेता हूँ। और भाई आसपास कोई बंदा कूदा ही नहीं था मिडिल वाले सेक्शन में, और कूदा भी था ना तो वो सामने की तरफ, जो तीन चार घर है वहाँ की तरफ। तो मैं रोटेट मार के आ जाता हूँ यहाँ पर ये वाले घरों पे, यहाँ से मैं एंगल लेता हूँ, मतलब व्यू लेता हूँ, तो मुझे पता पड़ता है कि सामने एक बॉट गोलियाँ चला रहा है। अब यहाँ पर यूजी का इतना ज़्यादा फायर हुआ तो मैं समझ गया कि यहाँ पर कोई ओरिजिनल बंदा है जिसका पिंग हाई हो चुका है। तो सबसे पहले इस वाले बोट को किल कर देते, और मतलब कहाँ है वो जो पिंग वाला बंदा था, उसको मैं ढूंढता हूँ तो वो मुझे मिल जाता है, जो कि बहुत मतलब खतरनाक कवर में था। अब इस बंदे का पिंग हाई था तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते यार, मतलब कोई ना कोई तो किल कर ही देगा, बोट किल करे, इससे अच्छा तो मैं ही किल करता हूँ। और इस वाले बंदे को मारने के बाद मैं निकल ही रहा था, मतलब एग्जैक्ट पोचिंग में कोई लैंड किया नहीं था, तो जैसे ही निकल रहा था ना ये वाला बंदा आ चुका है, जो कि बोट लोकेशन जो बान हाउस है ना वहाँ पर लैंड किया था। 10-15 बोट मारने के बाद यहाँ पर आ गया था, जो कि अभी किल हो गए। और जब इस बंदे को मैं मार रहा था, पीछे की तरफ से एक AKM के शॉट्स आ रहे थे, मतलब वो पता नहीं बोट फायर करता या फिर मतलब बैट करता मुझे। अब जैसे ये वाले घरों में आता हूँ तो मुझे फुट स्टेप आता है, और ये फुट स्टेप था इस बोट का, जो कि मतलब इधर उधर मतलब रोड क्या कर रहा था भाई, उधर जा रहा था ना आगे जा रहा था, मतलब फुट स्टेप कॉन्स्टेंट आ रहे थे। अब जो ओरिजिनल बंदा ना वो AKM चला रहा था इस वाले बंदे के पास। मैंने चेक करता हूँ लूट मतलब स्मोक करने के बाद तो AKM नहीं थी, तो मैं मतलब समझ गया कोई ओरिजिनल बंदा अभी भी बचा हुआ है, कहीं ना कहीं कैंपिंग कर रहा है। अब आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप सोचते हो भाई हॉट ड्रॉप करें, लेकिन 3-4 किल कर देते हो और उसके बाद आती है असली बारी, मतलब वहाँ से निकलने की, तो इसमें आप फंस जाते हो। बहुत बंदे ऐसी कैंपिंग कर दिए, तो देखो भाई इससे कैसे निजात पाता हूँ मैं, और बस देखते जाओ तुम अभी। अब यहाँ पे मैं अपने आप को बेट कर रहा था कहीं ना कहीं से उस बंदे का लोकेशन मालूम पड़ जाए, और एक बार तो स्मोक कर देते गाड़ी पे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फुट स्टेप देगा वो एंगल लेने के चक्कर में। और होता भी कुछ ऐसा, ये सामने वाले एग्जैक्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पर बंदा अभी भी कैंप कर रहा था, मतलब मेरा तो भरता बना देता। मुझे दिख जाता भाई कपड़ों का ग्लिच था या फिर जो भी था, वहाँ से दिख जाता बंदा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बंदे को किस तरीके से मैं ठिकाने लगाता हूँ। इस तरीके से टिकाने लगाता हूँ भाई को, मतलब को ग्रेनेड से इतना ज़्यादा डैमेज हो गया ना कि इसको कुछ समझ नहीं आया, कहाँ DPP लूँ कहाँ भागूँ। मतलब इस वॉल पे आ ही गया था ये बंदा, और गलती से इसी डायरेक्शन में मेरी तरफ ही आ गया, मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो भाई वहाँ से निकल लेता हूँ मैं अपनी मुन्ना भाई वाली गाड़ी लेके, और बहुत जगह ढूंढता हूँ भाई एक 4-seat मतलब 4-wheeler नहीं मिलता जो स्टेबल हो। और यहाँ पर जैसे ही चेंज करता हूँ ना मैं, ये वाला बंदा जो कि 2-5 की शूटिंग कर रहा था, जो कि अभी किल हो गया है। मैंने सोचा भाई इसको लूट लेते, लेकिन वहाँ पर जो कंपाउंड था ना वहाँ पर भाई थोड़ा बहुत सस्पिशियस है, मतलब बंदे होते ही है कभी कभी, तो वहाँ लूटता नहीं हूँ मैं और आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो मुझे दिखता है एक एयर ड्रॉप जो कि यहाँ पर बिल्कुल ओपन में गिरा था, और देखो भाई क्या सीन हो रहा है यहाँ पर।
अब ये जो गिली सूट वाला बंदा था, सबसे पहले तो इसने गिली सूट पहन रखा, तो मुझे लगा भाई कहीं AWM ना हो इस पर, इसलिए थोड़ा बहुत डर रहा था मैं, और किल कर दिया कुल मिला के। अब आ जाते भाई इसके पास, क्या चीज़ है ऐसी जो मुझे उठानी चाहिए। तो सबसे पहले इसका स्मोक कर देता हूँ, और इसके पास थी ओग और गिली सूट। जैसे मैं यहाँ पे स्मोक करके लूट रहा था, पीछे की तरफ से एक और गाड़ी आ जाती, तो मैंने कहा भाई यहाँ से थोड़ा दूर निकल लेते और यहाँ से एंगल लेने की कोशिश करते, जो बंदा वहाँ पे आके रुक गया, क्योंकि हो ना वो ओपन फंसा और अपनी गड्डी लेके पीछे या फिर कहीं ना कहीं भागने की कोशिश ज़रूर करेगा वो। वो बंदा सामने जो क्या है यार, फसल का टीला है ना, यहाँ पर आके रुक गया था, और यहाँ पर मैं बहुत सारे ग्रेनेड कर देता हूँ ऐसे ही रैंडम। और दूसरे ग्रेनेड में बंदा मारा जाता है। उस बंदे ने भी ग्रेनेड किया, लेकिन इतना एग्जैक्ट और मतलब जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, और क्या करें अब भाई। तो भाई यहाँ से अभी निकल लेना चाहिए मुझे, क्योंकि भाई बिल्कुल ओपन एरिया है, मतलब कहाँ कहाँ से एंगल मिलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, इतनी सारी गोलियाँ पड़ेगी। अब जैसे ही मैं वापस से ये वाले पेटी पे आता हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एमो चाहिए था, और MK14 भी थी इसमें भाई, अटैक्स भी था, तो जब लूट रहा था ना तो ये वाला बंदा आ जाता है, जो कि पैदल चल के आ रहा था भाई, कहाँ से आया था ये देखो भाई, क्या ही एंगल ले रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इस बंदे के साथ फाइट में हमारा। अब यहाँ पे मैं स्मोक करता हूँ, इतने में वो बंदा भाई पता नहीं उसके पास बाइक कहाँ से आ जाती है, वो बाइक लेके निकल लेता है, और बाइक की तो स्पीड तुमको मालूम ही है, उसको भाई कोई भी कैच नहीं करवाता, और वैसा ही बंदा भाग जाता है। और यहाँ पे मुझे एक USZ वाला बंदा मिल गया है। अब इस वाले बंदे का मैं पीछा करता हूँ, तो देखते हैं ये वाले बंदे के साथ कैसी तगड़ी फाइट होती है। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने दो फायर मिस कर दिए। अब जब भी आप ऐसे फायर मिस कर दो ना, तो निराश हताश मत हो, आप नूब नहीं हो, आप सुपर नूब हो। तो भाई अब जो भी हो, उस बंदे के पास में जाके मैं फ़ाइट करूँगा, मतलब मुझे क्लोज़ फाइट लेने में बहुत ही मतलब शांति मिलती है। और आ चुके हैं भाई, अब वो बंदा है ऊपर वाले फ्लोर पर, और देखो भाई यहाँ पर मैं ग्रेनेड करूँगा, पिन करूँगा और फाइट करूँगा। ये वाला बंदा मारा गया भाई, मतलब अगर TPP के जैसे ही मैं मारता ना, तो मैं शायद मारा जा सकता। मैंने जैसे ही भाई FPP स्विच करा, तो मुझे एक्स्ट्रा एंगल मिला, जिसके कारण बंदा मारा गया। तो इतने में सामने की तरफ एक एयर ड्रॉप भी गिरा है, तो हो सकता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मतलब फ्रेश हेलमेट मिल जाए, और लूटने में आ जाता हूँ भाई, थोड़ा बहुत रोटेट मार के, कहीं कोई बंदा हो नहीं भाई। अब ड्रॉप लूटते मुझे इसके अंदर से भाई M249 मिल जाती है, तो एक M को फेंक देते हैं, क्योंकि भाई M249 लॉन्ग रेंज की वेपन है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी देर तक लूट करी, लेकिन किसी का फायर आया नहीं, तो भाई बंदे हैं कहाँ पे, वैसे भी चार बंदे बचे हुए और कहाँ हैं। ये वाले घर पे आता हूँ चेक करने एक बार, तो मैं मोली ग्रेनेड या फिर जो भी होगा वो चेक करूँगा, क्योंकि सीधा घुसने से तो बेहतर है भाई, जो आपके पास रिसोर्स है उसका उपयोग कर लो।
तो भाई ये वाले घर में कोई बंदा था नहीं और जोन भी क्लोज इन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो वेट करते हैं। और इतने में जैसे मैं मतलब बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, ये वाला बंदा सांप बनने ही वाला था। इससे पहले ही मैंने इसको कुचल दिया, मतलब आगे जाके हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। तो भाई उसके बाद मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, और मतलब गेम प्ले अच्छा जा रहा है, थोड़ी भी गलती हुई तो गेम प्ले अपलोड करने का लायक नहीं रहेगा। और इतनी ही देर में एक गाड़ी का साउंड आता मुझे, जो कि एयर ड्रॉप लूटने का मन बना के आया था, लेकिन उसने जैसे ही देखा भाई यहाँ पर हेलमेट वेस्ट पड़े हुए हैं, लेवल 2 गए, मतलब पता पड़ गया उसको कि ड्रॉप लूटा हुआ है। तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और वो जा चुका है ये घास फूस के टीले पे। तो अब वो बंदा फंस चुका है ओपन में और उस पर फायर ले सकते हैं। अब जो स्मोक हो रखा था उसमें मैंने ऐसे ही रेंडम फायर देने की कोशिश की, मेरे पास गोलियों की तो कमी है नहीं, कहीं तुक्के में मर गया तो हमारा ही फायदा है। और मैं ये भी चेक कर रहा था कि जो तीसरा बंदा है वो हमको भाई हेडशॉट नहीं दे दे। वो बंदे को भाई अच्छा खासा कवर मिल गया, मतलब गाड़ी का भी और ड्रॉप का भी। तो जोन भी हमसे हट चुका है, तो मुझे उस पर रश करना चाहिए या फिर ये वाले मतलब पेड़ पे आ जाता हूँ मैं उस बंदे से फाइट लेने। और यहाँ पे आके सबसे पहले तो पिन करता हूँ एक ग्रेनेड, और भाई जो भी हो मेरे पास मतलब स्मोक था या फिर स्टन था सब मैंने फेंक दिया है। और वो बंदे ने भी हम पे ग्रेनेड कर दिया, भाई बंदा काफ़ी अच्छा है। और जो तीसरा बंदा है वो भाई मतलब हिस्सा ही नहीं ले रहा फाइट में, मतलब मैं देखूंगा बस रेफरी हूँ मैं। अब देखो भाई तीसरा बंदा मतलब कहाँ है कुछ पता पड़ नहीं रहा है, और वो हमको बिल्कुल इजी किल कर सकता है। तो मुझे भाई क्लोजिंग करना पड़ा, और देखो भाई क्या होता है यहाँ पे। और ये बंदा अभी हेडशॉट के साथ मारा जाता है। तो अभी भी उस बंदे ने कहीं अपना डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ लोकेशन दिया ही नहीं है। तो है कहाँ वो बंदा जो अभी बचा हुआ है, वो ये रहा जो कि बहुत खतरनाक तरीके से चिल मार रहा है। उसको भाई कोई मतलब ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो फायर देता वो। तो अब जोन क्लोजिंग हो रहा है और देखते हैं भाई वो बंदा करता क्या है। और इसी बंदे के मरने के साथ ही हमारा हो जाता है भाई चिकन डिनर। और अगर तुमको गेम प्ले पसंद आया तो भाई तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो भाई बिल्कुल फ्री और निःशुल्क। और नए गेम प्ले में, सोलो गेम प्ले में, तो चलो यार बाय। I'm gonna